हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉर्थ ट्यूटोरियल में। और मैं मनवर सिंह लाया हूँ 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह एमसीक्यूज हैं आपके उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व पार्ट 2 से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड टुडे वी विल कवर उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व पार्ट 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है या गलत लिखा है? तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो इनमें जो आपका मतलब कथन जो गलत होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। बाकी मतलब ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही हैं। जैसे इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है और यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है। हाल ही में कुछ महीने पहले चमोली जनपद में ये रामायण उत्सव मनाया गया था, शायद आप लोगों ने वहाँ की वीडियोस देखे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। रामायण उत्सव, प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में रामायण अर्थात रामायण उत्सव का आयोजन चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़, डुंगरा व सैलंग आदि गाँव में किया जाता है। इस उत्सव के दौरान पत्थर यानी पात्र, केमू, सहतूत, लकड़ी के कलात्मक मुखौटे लगातार रामलीला के मुख्य प्रसंगों का लोक नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसके अलावा इस उत्सव में वार्षिक पूजा अनुष्ठान, देव यात्रा, स्वांग आदि का भी आयोजन होता है। यूनेस्को द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को इस उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को। ओके, यानी यूनेस्को ने इसको 2 अक्टूबर 2009 को विश्व विरासत घोषित किया था। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चैती मेला। ओके, चैती मेला यानी जो कि बाला सुंदरी देवी के मंदिर में लगता है। यह उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित कुणेश्वरी देवी यानी बाला सुंदरी के मंदिर में प्रतिवर्ष चैती का मेला लगता है जो 10 दिन तक चलता है। देवी बाला सुंदरी कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजाओं की कुल देवी मानी जाती हैं। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन कार्निवले कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और मसूरी। तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मसूरी। ओके, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसीलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, पद्मश्री सम्मानित बसंती देवी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है, जागर गायकी, शास्त्रीय संगीत, रंगमंच और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जागर गायकी। जो बसंती देवी जी हैं वो पद्मश्री से सम्मानित महिला है और वो जागर गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं, छोलियो, ऑप्शन बी है तांदी, ऑप्शन सी है छोपती और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। तो आप ये समझ लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे ये लिखा है कि उपरोक्त सभी युग्म सही हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो यही है ऑप्शन नंबर डी। ओके, छोलियो, तांदी, छोपती उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ऑप्शन ए है गेंदी, ऑप्शन बी है मौर मेला, ऑप्शन सी है
इसलालदे विखोती मेला, या इसको हम विखोती मेला भी कह सकते हैं, और ऑप्शन डी है चैती मेला। तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मौण मेला। उत्तराखंड में मछली मारने की परंपरा मौण मेला में है। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। ऑप्शन ए जगवाल, ऑप्शन बी छोटी बारी, ऑप्शन सी चालदा जातरा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है, कुमाऊनी भाषा की फिल्म, क्योंकि कुमाऊनी भाषा की फिल्म थी मेघा आ थी। ओके, शायद मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताया, शायद नहीं, बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोगों को मैंने बता रखा था। तो शायद आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, तो चैनल पर विज़िट कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी जारी रखिए। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। यदि आप यहाँ तक पहुँच ही गए तो वीडियो को कर दो लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो भी शेयर कर दो। ओके, ताकि आप लोगों के साथ आपके दोस्त लोग भी पढ़ पाएँ। तो चलिए आगे। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, हुड़का। ओके, यह उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हुड़का एवं हुड़की, मतलब हुड़की भी कहते हैं या हुड़का कह लीजिए, कुछ भी, हुड़का या हुड़की। ओके, हुड़की भी यहाँ का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसकी लंबाई 1 फुट 3 इंच के लगभग होती है। इसके दोनों पुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। युद्ध, प्रेरक प्रसंग, जागर तथा कृषि कार्यों में बजाया जाता है हुड़का। ओके, तो चलिए आगे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। यहाँ पे गाया जाता है, ओके, डोंट माइंड, गाया जाता है। तो थोड़ा सा हम ऑप्शन पढ़ेंगे, विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर हुड़किया बोल गाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौथिक शब्द का अर्थ निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन ए है एक वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी है अनाज एवं मोटे अनाज, ऑप्शन सी है नृत्य, और ऑप्शन डी है मेला। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मेला। कौथिक शब्द का उपयोग मेले से है, उत्तराखंड में कौथिक शब्द का उपयोग मेले से है। कौथिक मीन्स मेला ही होता है। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कौथिक जा रहा हूँ, तो अब हम हिंदी में कह सकते हैं कि मैं मेला जा रहा हूँ। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, जागर का अर्थ क्या है। तो इनमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, और यदि आप लोग नोट्स बनाने हैं तो आप लिख सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, समाज को जगाने वाले जागर या गीत, जागर कहलाते हैं। यानी जागर का अर्थ है समाज को जगाने वाले जागर, या हम गीत कह सकते हैं। तो जागर गीत वे लोग गाथाएँ जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है, जागर कहलाते हैं। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान के या सम्मान में गाए जाते हैं। इसके गायक को जागरीय कहते हैं। पांडव, कौरव, नरसिंह, गोलू, भैरवनाथ और करननाथ, बूढ़ा केदार, कालेदेव आदि राज्य के प्रमुख जागर या जागर गीत हैं। इसको गाते समय जागरिया डमरू थाली या हुड़की या ढोल दमामा बजाता है और डंगरिया को नचाता है। तो डंगरिया यहाँ पे हम वैसे कोई मानव ही है, बट उस समय अपने उत्तराखंड में वो देवता के समान नाचता है, तो हम उसे देवता ही कहते हैं। शायद आप लोग उत्तराखंड से ही देख रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
तो चलिए आगे चलते हैं। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, राज्य में कौन से आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो ऑप्शन ए है तुगियल, ऑप्शन बी है मुंदरी, ऑप्शन सी इमरती, ऑप्शन डी है फुली। तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंदरी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन नंदराज जात यात्रा से संबंधित है? तो ये माफी चाहूँगा, ये नंद जात है, नंद राज जात यात्रा। ओके, तो ऑप्शन ए है चौसिंगिया खाड़ू, ऑप्शन बी है चंतोली, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, चंतोली और चौसिंगिया खाड़ू। तो यात्रा के लिए निर्धारित तिथि नंदाष्टमी को कांसुआ के कुंवर चौसिंगिया मेढ़े यानी खाड़ू तथा रिंगाल से निर्मित सुंदर चंतोली लेकर कांसुआ के पास नौटी देवी मंदिर पहुंचते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसार बावर में। ओके, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते तो हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो आपका ऑप्शन है ए हुड़का, ऑप्शन बी है चौफला, ऑप्शन सी है छोलिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हुड़का। हुड़का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो कृपया आप लोग जवाब देंगे जल्दी से जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैं बता देता हूँ, आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नाक में। अब गुलाब के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? यहाँ पे फिर गड़बड़ी, गीत नहीं गाया जाता। ओके, तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है झोड़ा, ऑप्शन बी है छोपती, ऑप्शन सी है छपेली, ऑप्शन डी है छोलियो। ओके, तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छोलियो। ओके, कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे शादी या धार्मिक आयोजन या किसी कुंभ मेला में, किर्जी कुंभ मेला में उल्लास में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र के सरोपोड़ा नृत्य की तरह है। यह नरसिंह तथा पांडवों लीला पर आधारित है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन पढ़िए, बाड़ा होती दर्रे से, नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से और लांपिया धुरा दर्रे से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख दर्रे से। ओके, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलने वाले इस यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय करता है। तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, मूर्खली यानी मूर्खलू बोलते हैं गढ़वाली सामने, और नथुली गुलबंद निम्न में से क्या है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आभूषण है। मूर्खली नथुली गुलबंद आभूषण है, ठीक है, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन पढ़िए, गोरदा, ऑप्शन बी है चंद्र कुंवर बर्तवाल, ऑप्शन सी है किशोरी लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र कुंवर बर्तवाल इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। और ये वीडियो और ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
तो यदि अभी भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आप PDF खरीदना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 7409287156, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, या आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए जाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।